कक्षा 12 बारे ध्यान देंगे। अभी तक आप लोगों ने अनिवार्य संस्कृत के जो संस्कृत दर्शिका हैं उसके दो पाठों का अध्ययन किया है। आज मैं आप लोगों को तीसरे पाठ का अध्ययन कराऊंगा। जहाँ ध्यान देंगे, पाठ का नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, अर्थात आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने बारे में जान जाता है वह संसार के सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब संसार पहले व्यक्ति को अपने बारे में जानना चाहिए। व्यक्ति जब तक अपने बारे में नहीं जानेगा वह संसार को जान कर भी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर पाठ का नाम दिया गया आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, मतलब अपना ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। यहाँ पर जानेंगे याज्ञवल्य मैत्रेयी वाच। याज्ञवल्य मैत्रेयी से बोले, याज्ञवल्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी हे मैत्रेयी उदयास्यन अहम अस्मान अस्थान अस्मि, मैं इस स्थान से अब दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ, इससे ऊपर वाले स्थान पे जा रहा हूँ, अर्थात अब मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम की ओर जा रहा हूँ। हे मैत्रेयी मैं इस स्थान को छोड़कर, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अब वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ। ततेस्तनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाड़ी थी, अतः मैं तुम्हारी संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी कात्यायन से बंटवारा कर दूं। अतः मैं तुम्हारे धन का अपनी दूसरी पत्नी कात्यायन से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूरा स्यात् तम किम तेना अमृताम स्मृति, यदि संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन मतलब धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मुझे उससे अमरता की प्राप्ति हो सकती है? क्या संपूर्ण पृथ्वी अगर धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उससे मुझे अमरता की प्राप्ति हो सकती है? याज्ञवल उवाच, याज्ञवल बोले नेति नहीं, याज्ञवल बोले नहीं। फिर जब कि याज्ञवल मैत्रेयी से बोले हे मैत्रेयी आज मैं इस स्थान को छोड़कर के इसके ऊपर वाले स्थान पे जा रहा हूँ, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के वानप्रस्थ आश्रम की ओर जा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हारी संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी कात्यायन से बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी बोली यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या वह मुझे अमरता प्रदान कर सकता है? याज्ञवल्क्य बोले नहीं। आगे चलेंगे, ये तो उपकरणाताम जीवन तथा ती जीवन सत्ता है, लेकिन जो तुम्हारा जीवन है वह उपकरण मतलब साधन संपन्न लोगों के समान हो जाए, लेकिन उस धन से जो तुम्हारा जीवन है वह साधन संपन्न लोगों के समान हो जाएगा, लेकिन उस धन से जो तुम्हारा जीवन है वह साधन संपन्न लोगों के समान हो जाएगा। अमृतस्व तू नाशति वित्तीय नीति, धन से अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती, धन से अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। सा मैत्रेयी वाच, वह मैत्रेयी बोली एनाहम नामृतम श्याम किमं तेन कुर्याम, जो मुझे अमरता प्रदान न कर सके उसका मैं क्या करूंगी, जो मुझे अमरता प्रदान न कर सके
उसका मैं क्या करूंगी। यदि भगवान केवल अमृत साधन जानती तदेव में ब्रहे। यदि हे भगवान आप अमरता के साधन के बारे में जानते हैं बस वहीं मुझे बताएं। यदि हे भगवान अगर आप अमरता के साधन के बारे में जानते हैं तो वहीं मुझे बताएं। याज्ञवल उवाच, याज्ञवल बोले, प्रिया नसति त्वं प्रियाभासे। याज्ञवल बोले, हे मैत्रेयी तुम प्रिया, तुम मेरी प्रिया हो। हे मैत्रेयी तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय वो रही हो। हे मैत्रेयी तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो। यहीं पसो, यहीं पर बैठो। व्याख्या अस्मित अवसर, मैं अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। मैं अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ, मुझे बदलेगा। लेकिन उस धन से जो तुम्हारा जीवन है वह साधन संपन्न लोगों के समान हो जाएगा। धन से अमरता के प्राप्ति के बारे में नहीं सोचा जा सकता, या धन से अमरता की प्राप्ति नहीं सकती। वह मैत्रेयी बोली, जिससे मुझे अमरता की प्राप्ति न हो सके उसको मैं लेकर क्या करूंगी। यदि हे भगवान अगर आप अमरता के साधन के बारे में जानते हैं तो वहीं मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, इसलिए मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या करता हूं। हाँ, ध्यान देंगे आगे। अब याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी पत्यु कामाया पति प्रियो भवति। पत्नी से पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। पत्नी से कहते हैं पति पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मस्तु वह कामाय पति प्रिय होती, लेकिन अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। याज्ञवल बोले, हे मैत्रेयी पत्नी से पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे मैत्रेयी, न वा अरे जाया कामाया जाय प्रियवती, आत्मस्तु वह कामाया जाय प्रियवती। पति से नहीं, अरे पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होती। पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय होती है। न वा पति से नहीं, अरे पत्नी पत्नी की कामना के लिए पत्नी 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 की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वितस्य कामाया पुत्र वितस्य वा प्रिय भवति, आत्मवस्तु वह कामाया पुत्र वित्तम वा प्रिय भवति। नहीं, अरे पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मस्तु वह कामना अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं।
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, नहीं अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, नहीं अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु व कमाया सभी प्रिय होते, अपनी कामना या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। एक बार फिर देखिएगा, याज्ञवल बोले हे मैत्रेयी, पत्नी से, पति पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। और पत्नी से, नहीं अरे पति से पत्नी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होती, पत्नी पत्नी की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नहीं अरे पुत्र और धन, पुत्र एवं धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, पुत्र एवं धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नहीं अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। लास्ट पैराग्राफ है इस पाठ का, तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च आत्मनम खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवति। इसलिए हे मैत्रेयी जो आत्मा है दृष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यम सुनने योग्य हैं, मंतव्यम मनन करने योग्य हैं, निधि ध्यास मतलब ध्यान करने योग्य हैं। इसलिए हे मैत्रेयी जो आत्मा है वह देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं और ध्यान करने योग्य है। आत्मनम करो दर्शन इति सर्वविदितं भवति, आत्मा के दर्शन से ही संसार में सभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा के दर्शन से ही, आत्मदर्शन से ही संसार में सभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आत्मदर्शन से ही सब ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं और ध्यान करने योग्य हैं, क्योंकि आत्मदर्शन से ही संसार में सब कुछ ज्ञात हो सकता है, यह हो गया आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट कर दिया गया है। अब लगभग 1/4 पार्ट आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो चुका है। इन तीनों पार्टों को आप अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, नोट्स बना भी लेंगे और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम समझ में आता है वह कमेंट बॉक्स में लिख करके विषय अध्यापक से पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू अध्ययन करेंगे तब